तो वहीं रायबरेली में पुलिस ने सिपाहियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवजन सभा के जिला अध्यक्ष विनोद यादव और उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। शहर के सुपरमार्केट स्थित सपा कार्यालय से सिपाहियों को गिरफ्तार करने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सपा के प्रदेशव्यापी हड़ताल की तस्वीर रायबरेली से हिरासत में लिए गए समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, रायबरेली की यह तस्वीर है, CAA के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जैसा सभी को ज्ञात है कि आज कुछ जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने एक आह्वान किया था धरना प्रदर्शन का। उस क्रम में प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि किसी भी किस्म का धरना प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि जनपद में ऑलरेडी धारा 144 लागू है पिछले लगभग 1.5 महीने से, और संवेदनशीलता है जनपद में, वो जनपद के इर्द गिर्द, इसलिए किसी कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। उसी क्रम में जिन जिन स्थलों पर धरना प्रदर्शन प्रस्तावित थे वहाँ पर समुचित पुलिस बल लगाया गया है। ऐसे ही सभी से संपर्क किया गया है, सभी को बताया गया है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात वो रख सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत हाल में 4 आदमी से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। देखिए, जैसा सभी को ज्ञात है, तो CAA के विरोध में प्रदर्शन की यह तस्वीर। रोहित मिश्रा संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरीके की रस्साकशी की तस्वीर वहां पर देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर धरना प्रदर्शन को पहुंचे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस हिसाब से जो पूरे प्रदेश में सिपाहियों का प्रदर्शन चल रहा है वो उसी तरह रायबरेली में भी जो है उनका प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन इस प्रदर्शन में सबसे खास बात यह थी कि जो बड़े नेता थे, जो बड़े स्तर के नेता थे, वो सिर्फ मूक दर्शक की अपनी स्थिति पे दिखाई पड़े। छोटे भैया नेते पार्टी के जिंदाबाद के नारे व सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, लेकिन जो बड़े नेता थे वहाँ पे या तो वहां से गायब दिखे हैं मौके से, या फिर जो वहाँ पे पूर्व विधायक मौजूद भी थे वो सिर्फ मूक दर्शक बने हुए थे। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष है राम बहादुर यादव, उनको जो उनके आवाज पे ही जो है पुलिस प्रशासन ने उनको नजरबंद कर लिया है। वहीं बाकी जो कार्यकर्ता पहुंच रहे थे पार्टी कार्यालय पे उनको जो है पुलिस ने हिरासत में लेके जो अपनी गिरफ्त में ले रखा है। बिल्कुल, यहाँ पर रोहित अगर देखे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जूझते हुए नजर आए, प्रशासन जो पूरा वहां पर तैनात है, क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कोई और भी रणनीति है? क्योंकि भले ही हिरासत में ले लिए गए हों, कल परसों तरसों आगे वाले दिनों में भी कैसी तरीके से विरोध रहेगा उनका, वहां पर प्रदर्शन की तस्वीर रहेगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो प्रदर्शन की तस्वीर है, जो प्रदर्शनकारी है वो कोई बड़े स्तर के नेता नहीं है, बल्कि वो छोटे कार्यकर्ता हैं या फिर उपाध्यक्ष मान लीजिए या फिर युवजन सभा के लोग मान लीजिए। पार्टी के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने जो है उनके घर पर नजरबंद कर दिया। जो पूर्व विधायक है वो केवल वहां पे फोटो खिंचाने के लिए, फोटो सेशन के लिए आते हैं और गिरफ्तारी देके जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। बाकी छोटे भैया नेता जो वहां पे वही जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन को उग्र करने का काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता या फिर पूर्व विधायक केवल वहां पे केवल फर्ज अदायगी करने के लिए पहुंचते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है।